करगिल विजय दिवस ये एक त्योहार है जिसे किसी धर्म या जाति में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि पूरा देश एकजुट होकर आज इस त्योहार को मना रहा है। आपको बता दें कि आज के इस दिन बेहद ही गौरवान्वित करने वाले इस दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक ने अपने ट्वीट के जरिए देशवासियों को और साथ ही साथ उन शहीद जवानों को उनको सलाम किया है, उनकी शहादत को सलाम किया है, उन परिवार वालों को सलाम किया जिन्होंने अपने वीर बेटों को, अपने वीर सपूतों को देश की सरहद की रक्षा करने के लिए भेजा। और आज देश उन शहीदों का ऋणी है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का करगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का। मैं हृदय से वंदन करता हूँ, ये दिवस हमारे लिए गर्व से भर देने वाला है और देश आज उन वीर सपूतों को याद करता है, उनके शहादत को सलाम करता है जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया सिर्फ इस देश के लिए, भारत माँ के लिए। और सच्ची श्रद्धांजलि आज यही है कि आज पूरा देश दिल से उन शहीदों को आज याद करे। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। करगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।